अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। बात करते हैं डाइट के बारे में, एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसी डाइट लेनी चाहिए। वैसे तो प्रेग्नेंट ना भी हो तो अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रेगनेंसी में चूँकि आपका जो बेबी है वो भी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप ही की डाइट से उसको भी मिल रही है न्यूट्रिशन, तो लिहाजा आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल का रोल है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले फ्रूट्स में हम जिक्र करना चाहेंगे बनाना का। तो बनाना में बेस्ट क्वालिटी कैल्शियम मौजूद होता है जो मदर की बोन्स के लिए, उसके ग्रोइंग बेबी की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा वो स्टमक के लिए भी बड़ा सॉफ्ट है, और फ्रूट्स वैसे भी इजीली डाइजेस्टिबल जो हैं वो होते हैं, आसानी से हज़म हो जाते हैं। अब बात करते हैं एप्पल की। आपने वो मुहावरा तो सुन ही रखा होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि एक सेब अगर आप रोज़ खा लें तो आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि सेब के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन मौजूद होता है और ये आयरन आपके अंदर खून की कमी नहीं होने देता। तो इसलिए आपको आयरन भी लेना चाहिए, सेब भी आपको खाने चाहिए। उसके बाद ये जो वाटरी फ्रूट्स हैं, वाटर मेलन और दूसरा मेलन, ये क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करते हैं, आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट शुगर आपको मिलती है। और जो मैंगोज हैं उनके ज़रिए आपको फ्रुक्टोज मिलता है, फ्रूट शुगर मिलती है, जो आपके लिए एनर्जी का बायस है, तवानाई आपको मिलती है। ग्रेप्स जो हैं वो भी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और एक तो इन फ्रूट्स के बेतहाशे फवायद हैं, लेकिन इसके अलावा आप ये भी देखिए कि ये फ्रूट्स कितने टेस्टी होते हैं, ये कितने मज़ेदार होते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू के अलावा ये आपके खाने में बहुत ज़्यादा जायका ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर वेजिटेबल की बात की जाए तो वेजिटेबल में जैसे कि ब्रोकली है, गोभी है, बंद गोभी है, उसके अंदर भी कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। जो आलू वगैरह हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की रिच अमाउंट मौजूद है, जो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत तेज़ी से वो आपको तवानाई देती है। तो इसके अलावा दूध ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध जो है, और ख़ास तौर पे अगर आप उसमें से क्रीम हटा भी दें तो वो एक रिच सोर्स है कैल्शियम का, और बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही गज़ाइत से भरपूर होता है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, इसके अलावा जो अंडे हैं और जो गोश्त है, चिकन हो गया या मटन हो गया, वो आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं मसल्स के, जिससे आपका बेबी भी मस्कुलर होगा और आप भी अच्छी एनर्जी और अच्छी न्यूट्रिशन आपको मिल सकेगी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी ग़िज़ा में रखनी चाहिए तमाम लेडीज़ को, और ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ को। इसके अलावा जो चिकनाई का इस्तेमाल है, ज़्यादा आर्टिफिशियल शुगर का इस्तेमाल है, शुगरी फूड है, उसकी जो मिकदार है वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए फ़ायदा मंद उस तरह से नहीं है। तो डाइट जो है उसके बारे में हमेशा ही कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि एक बात आपने सुनी होगी, जैसे हम खाते हैं वैसे ही हम दिखते हैं। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छा लुक होगा, अच्छी सेहत होगी, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए पैगाम है कि उनके बच्चे की ग्रोथ भी फर्स्ट क्लास होगी और उन्हें बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ज़्यादातर उनको बाहर से विटामिन, मिनरल्स और बाहर से उनको सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे, अगर वो अच्छी डाइट लेंगी, और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और बेबी की ग्रोथ भी फर्स्ट क्लास रहेगी। इजाज़त लेते हैं आपसे, मिलते हैं किसी और वीडियो में। देखते रहिए हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल। अल्लाह हाफिज़।